जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूपीआई से, यूपीआई तो आप समझते ही होंगे, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, अमेजोन पे हो गया, बहुत सारे पे आजकल आ गए हुए हैं, भारत पे हो गया, भीम हो गया, और व्हाट्सएप से भी आजकल पैसे लेन देन होने लगे हैं, मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने लगे। इसके अलावा सारे बैंक हैं, जितने भी बैंक हैं सबका अपना अपना ऐप है, चाहे ICICI बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, या फिर HDFC बैंक हो, सारे बैंक को तो आप देखते होंगे, सबका ऐप आ गया, एप्लीकेशन आ गया, जिससे आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, DTH रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, बिजली बिल पे कर सकते हैं, सारा सुविधा आ गया। मतलब कोई चीज़ अब ऐसा नहीं है जो ट्रांजेक्शन के मामले में, लेन देन के मामले में बैंक में सुविधा नहीं दिया गया है। तो आजकल लोग करते क्या है कि ज़्यादातर ट्रांजेक्शन, जो लोग ज्यादा जानकार है, थोड़ा पढ़े लिखे हैं, अच्छे जानकार है मोबाइल बैंकिंग के, वो लोग तो इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा भी करते हैं, फोन बैंकिंग के द्वारा भी करते हैं। तो फोन बैंकिंग में होता क्या है कि बैंक का ऐप यूज करते हैं, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या फिर साफ अनपढ़ भी है, वो भी आजकल UPI यूज कर लेते हैं, जैसे फोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह बहुत सारे पे यूज करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप यूज करते हैं UPI, लेकिन गलती से, किसी भी प्रकार से गलती से आपका, चाहे अकाउंट नंबर एक गलत हो गया हो, या फिर IFSC कोड गलत हो गया हो, या फिर कोई भी कारण से किसी दूसरे के अकाउंट पर पैसा चला जाता है, जहां आप भेजते हैं वहां नहीं जाता है, गलत अकाउंट पर ट्रांसफर हो जाता है, तो आप उसका रिकवरी कैसे करेंगे? चाहे वो 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पैसा जब आपका चला जाता है, मेहनत का कमाया जाता है अकाउंट से, और किसी को ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी को भेजते हैं, गलत अकाउंट पर चला जाता है, तो फिर खून सूखने लगता है इंसान का, सोचता है कि पैसा चला गया वापस कैसे आएगा। बहुत सारे लोग तो थोड़ा बहुत प्रोसेस जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोगों की बात बोल रहा हूँ, वो प्रोसेस नहीं जानते हैं कि उसका रिकवरी कैसे किया जाए। अगर 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 की बात होती है तो बहुत लोग छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा कि उस प्रोसेस के द्वारा पैसा वापस रिकवरी कैसे ले सकते हैं। तो आज का टॉपिक ही है, आप देख रहे होंगे, आज का टॉपिक ही है कि पैसा गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए तो क्या करें, पैसा वापस कैसे पाए। तो इसका दो प्रोसेस बताऊंगा, दोनों प्रोसेस से आप पैसा वापस ले सकते हैं। अब पहला प्रोसेस जान लीजिए, अगर आप किसी को, जिसको ट्रांसफर आपने किया है पैसा, ठीक है, चाहे UPI से किया है, UPI जैसे पेटीएम, गूगल पे या फिर फोन पे, तो इससे अगर आपने किया है और गलत हो गया, पहले तो RBI का रूल है, RBI कहती है, RBI का गाइडलाइन है कि कभी भी UPI से कर रहा है, चाहे ऐप से कर रहा है, चाहे किसी चीज़ से ट्रांसफर कर रहा है, पहले आप अकाउंट नंबर सही सही डालें, दूसरा क्या है कि IFSC कोड ये कंफर्म कर ले, वहां पर डाले सही से। डालने के बाद होता क्या है कि किसी भी ऐप में IFSC कोड डालते हैं तो नीचे ब्रांच का नेम आ जाता है, वो भी आप मैच कर ले, उसके बाद नाम मैच कर ले, एक बार नाम सही सही डाले, ये तीनों चीज अगर सही है, कंफर्म है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन फिर भी दिक्कत आ जाती है, जैसे एक दो कभी भूल गया, याद नहीं रहा, या फिर मिस्टेक से डल गया, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर दोनों का उसी बैंक में अकाउंट है, मतलब सेम बैंक में, सेम ब्रांच में अकाउंट है, जैसे कि मान लीजिए आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, स्टेट बैंक में अकाउंट है, और आपने जिसको ट्रांसफर किया वो उसी ब्रांच में उसका अकाउंट है, अगर एक दो नंबर मिस्टेक होता है तो हो सकता है कि उसी ब्रांच का अकाउंट हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको देर नहीं करना है, तत्काल में उस ब्रांच में जाना है, जैसे गलत ट्रांसफर होता है आपके पास मैसेज आता है, पता चलता है, उसी समय या फिर जब भी फुर्सत मिले तत्काल में, जल्दीबाजी में आपको बैंक जाना है, और वहां जाकर आपको एक एप्लीकेशन दे देना है, मैं इस व्यक्ति को अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर कर रहा था और इस अकाउंट पे नहीं जाके इस अकाउंट पे चला गया, जो गलती से मुझसे एक नंबर मिस्टेक हो गया था या कुछ मिस्टेक हो गया था, सारी बात आप आवेदन में लिख दे। उसके अलावा जो आप किसी को ट्रांजेक्शन करते हैं, किसी को भेजते हैं, तो एक ट्रांजेक्शन ID मिलता है, चाहे UPI में फोन पे हो, पेटीएम हो, चाहे कुछ भी हो, आप देखेंगे स्क्रीनशॉट करके या फिर उसके हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो ट्रांजेक्शन आईडी होगा जहां आपने ट्रांसफर किया, तो ट्रांजेक्शन आईडी सिर्फ आप उसमें मेंशन कर दे और आवेदन दे दे। इससे होता क्या है कि बैंक तत्काल प्रभाव से क्या करेगा कि जिस व्यक्ति के अकाउंट पे पैसा चला गया है गलती से, पहले तो उसका ईमेल आईडी से उसको मेल करेगा, फिर उसमें से मोबाइल नंबर निकाल के फोन भी करेगा उसका, वो उसका काम है, आप नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं देगा, वो करेगा, कोशिश करेगा कि सेटलमेंट कर दे, अगर अगला राजी है, अगला मान रहा है, पैसे देने के लिए तैयार है, तो एक हफ्ते के अंदर में सेटलमेंट हो जाता है, मैक्सिमम एक हफ्ते का टाइम होता है, लेकिन एक से दो दिन में उस अकाउंट से पैसा निकाल के आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। अगर अगला तैयार है, अगला स्वीकृति दे देता है तो, लेकिन अगला बोल रहा है कि नहीं, मेरे अकाउंट पे पैसा आया है, वो मेरा है, वो देने के लिए आपको तैयार नहीं होता है, तरह तरह की बातें करता है, उसके नियत में बेईमानी आ जाती है, तो फिर क्या करेंगे? इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि पहले आपको आपको पुलिस चौकी जाना है या फिर थाने में जाना है,
पुलिस स्टेशन जिसे बोलते हैं, वहां जाएंगे आप, वहां जाकर आपको एक FIR कराना पड़ेगा। मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है, मैं किसी और को पैसा भेजना चाह रहा था, किसी और को चला गया। अब जो आवेदन देने वाले थे बैंक में, उसी प्रकार का आवेदन आपको थाना में देना है। जब FIR आप दर्ज कराएंगे वहां पर, तो होगा क्या कि वहां से आपको रिसीविंग मिलेगा, या फिर जो FIR देंगे आप, तो उस पर आपको सिग्नेचर मुहर करके वहां से आपको एक कॉपी दे दिया जाएगा। उसके आधार पर उस व्यक्ति पर रिफंड की कार्रवाई की जाएगी, पैसे वापस करने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें आपको 1 महीना लगेगा समय, तो उसमें मैक्सिमम टाइम 1 महीना लगेगा। जो पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस उसकी जांच करेगी। अगर वो व्यक्ति ये बोलता है, अगला व्यक्ति ये बोलता है कि मेरे अकाउंट में पैसा आया है जो मेरा है, तो फिर उसे प्रूफ भी करना है, तो पुलिस इसकी छानबीन करेगी और उससे पूछेगी कि किस आधार पर यह पैसा आपके अकाउंट पर आया। जब वो साबित नहीं कर पाएगा, तो वो फिर उस पैसे को रिकवरी के लिए बैंक को भेज दिया जाता है, थाने की तरफ से या पुलिस चौकी की तरफ से। ये गलती से ही उस व्यक्ति के अकाउंट पर चला गया है, लेकिन वो जबरदस्ती अपना पैसा बता रहा है, और इस आधार पर बिना उसके स्वीकृति के, स्वीकृति दे ना दे, अप्रूवल करे ना करे, इससे कोई मतलब नहीं है, उसके अकाउंट से पैसा निकाल के आपके अकाउंट पे डाल दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस है। तो ये मैंने बताया किसके लिए, जो सेम ब्रांच है या फिर सेम बैंक है उसके लिए ये है। लेकिन अलग अलग बैंक है, अलग अलग बैंक है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका खाता है, स्टेट बैंक में खाता है, ICICI में खाता है, लेकिन आपने पैसा भेज दिया HDFC में, आपने पैसा भेज दिया किसी दूसरे बैंक में, कोई और बैंक के खाताधारी को, मतलब जिस व्यक्ति को आपने भेजा गलती से, उसका किसी और बैंक में अकाउंट है, तो क्या करे। तो इसके लिए भी आपको बता दूं, इसके लिए भी आपको तत्काल प्रभाव से, जैसे आपने पैसा ट्रांसफर किया और आपको लगा कि गलत हो गया है, तो तत्काल प्रभाव से आपको बैंक जाना चाहिए, एकदम सेम आवेदन देना चाहिए जो मैंने आपको बताया पहले, सेम एक आवेदन देना चाहिए इसके बारे में, ट्रांजैक्शन आईडी के साथ में। तो इस मामले में क्या हुआ कि बैंक डायरेक्ट कस्टमर से बात नहीं कर सकता है। अब आप पूछेंगे कैसे नहीं बात कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, तो जिस अकाउंट पर आपने पैसा भेजा गलत अकाउंट पे, और आपका अकाउंट SBI में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, और उसका पंजाब नेशनल बैंक में है, ICICI बैंक में है, तो कैसे ही बात कर सकता है बंदा, इसके पास तो कोई ना ईमेल आईडी होगा ना मोबाइल नंबर होगा। तो ये क्या करेगा, आवेदन आपका रख लेगा, और इस आवेदन के द्वारा अगले बैंक को नोटिस करेगा, जिसमें आपको टाइम लगेगा, कम से कम 15 दिन का समय लग जाता है। अगले बैंक को नोटिस करेगा कि आपके कस्टमर के अकाउंट पे गलती से मेरे कस्टमर ने पैसा भेज दिया है, आप इसको कंफर्म करके अप्रूवल कीजिए। तो क्या करेगा, आपने जिस पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट पर पैसा भेजा था या HDFC के अकाउंट पर पैसा गलती से भेजा था, तो वो बैंक अपने कस्टमर को फोन करेगा, मेल करेगा, उससे संपर्क करेगा, उससे अप्रूवल लेगा कि आपके अकाउंट पर कुछ पैसे आ गए हैं जो गलती से किसी के आ गए हैं, जिससे आपका किसी प्रकार का लेन देन नहीं है, क्या उसको वापस कर दिया जाए। अगर वो बोलेगा कि हाँ वापस कर दिया जाए, तो 1 सप्ताह के अंदर आपका मामला सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन वो बंदा कहता है कि नहीं, मैं पैसे नहीं लौटाऊंगा, वो अप्रूवल नहीं करता है, या फिर पैसा मेरा है, तो फिर वही प्रोसेस होगा, उसको साबित करना होगा, फिर आपको कुछ नहीं करना है, बैंक को तो आपने दे दिया है, उसका कॉपी आपके पास होगा, फिर आपको थाने में जाना है, पुलिस चौकी में जाना है, या फिर पुलिस स्टेशन में जाना है, जो भी आपके नजदीक में है वहां पे जाके आपको फिर से आवेदन देना है। पुलिस जाकर वहां पर पूछताछ करेगी, उससे फिर प्रूफ करेगी कि यह पैसा कैसे आपके अकाउंट पे आया, गलती से आया या फिर सही में आपका पैसा है। अगर सही में है, आप अप्रूवल नहीं दे रहे कि पैसा वापस नहीं करना है, मेरा पैसा है, तो प्रूफ करो इसके अकाउंट से, तो आपके अकाउंट पे आया ये ट्रांजेक्शन नंबर है, लेकिन क्यों आया, क्या कर्ज ले रखा था ये व्यक्ति, अगर ले रखा था एग्रीमेंट कहाँ है, या फिर इसके साथ आपका बिजनेस है। अगर वो प्रूफ नहीं कर पाता है, साबित नहीं कर पाता, हकीकत में साबित नहीं कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, गलती से चला गया है, आपका किसी प्रकार का संबंध भी नहीं रहता उससे, अगर संबंध है भी तो पैसे का लेन देन का संबंध प्रूफ भी तो करना होता है। तो जब पुलिस रिपोर्ट दे देगी बैंक को, फिर तो बैंक फिर उसके अकाउंट से पैसा निकालकर आपके बैंक को पैसा भेज देगी, और वो पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है, समय ज्यादा लग जाता है, लेकिन पैसा आपका डूबता नहीं है। ये मान लीजिए पैसा आपका डूबता नहीं है। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि अगर वो पैसा निकाल लिया, जब तक मैं प्रोसेस में लगा हुआ हूँ, 20,000-25,000 जो भी मैंने पैसा ट्रांसफर किया, और मैं प्रोसेस में लगा हुआ हूँ, चाहे थाने के प्रोसेस में लगा हुआ हूँ या बैंक के प्रोसेस में लगा हुआ हूँ, और वो व्यक्ति पैसा निकाल के खर्च कर लिया, उसके बाद क्या होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोसेस लंबा हो जाता है, FIR वाला जो प्रोसेस है ये लंबा इसलिए भी हो सकता है वो व्यक्ति पैसा निकाल के खर्चा कर दिया, लेकिन जब पुलिस केस हो गया, वो व्यक्ति पैसा निकाल के खर्च भी कर दिया, तो उसको कहीं से भी किसी भी हालात में अपने अकाउंट में पैसा डालना है, उसको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा बैंक की तरफ से। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं डालता है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, वो खर्च कर देता है, तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, तो फिर वो मुसीबत में पड़ेगा। कैसे मुसीबत में पड़ेगा आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि नियम है, अगर वो अपने मन से पैसा अकाउंट पे नहीं डालता है, अगर खर्च कर दिया है जो टाइम पीरियड बैंक देता है नहीं करता है, तो फिर उसको अगर नोटिस के आधार पर उससे पैसा मंगाया जाए, कानूनी रूप से उससे पैसा मंगाया जाए, या फिर कोर्ट के द्वारा उससे पैसा मंगाया जाए, तो फिर क्या होगा, उसको सजा भी हो सकता है 2 साल का, जुर्माना भी हो सकता है उसको,
पैसा तो डबल देना ही है, पैसा भी डबल देना पड़ेगा क्योंकि अगला को परेशान कर रहा है। कभी कभी तो किसी मामले में होता है कि उसको सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। तो दोस्तों मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया, यूपीआई से हो, यूपीआई तो आप जानते हैं फोन पे, पेटीएम या फिर गूगल पे या फिर किसी प्रकार का पे हो, या फिर बैंक के जो ऐप से आपने ट्रांजेक्शन किया है, या फिर किसी प्रकार से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया है, तो पैसा गलत अकाउंट पर ट्रांसफर हो गया था, रिकवरी कैसे कराए मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि कुछ छूट गया हो, कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, या फिर आपको लग रहा है कि किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या फिर कोई और टॉपिक आपके मन में है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जब लिखेंगे तो उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। अगर कोई नया टॉपिक आप पूछते हैं तो फिर रिसर्च करके मैं उस टॉपिक पर ही वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहे, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, कुछ सुझाव देना हो, कोई सलाह देना हो, कुछ भी आप लिखते जरूर रहे। भले ही 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 15 दिन बाद टाइम लगता है, क्योंकि एक एक करके सब टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं, लेकिन आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनेगा।